होती हो तुम। मैंने आपसे बहुत सारी बातें की है, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आंखें बंद करके देख, आंखें बंद कर ली। हाँ सरप्राइज, ये देखिए मेरा बोर्ड। तुमने बनाई ये फिल्म? मैं बनाई है क्या ये बात? ये तो कब रिलीज हो रही है तो बता दो सखी को। मम्मा मम्मा मेरे से फोटो किसी। अरे क्या है ये तो बताओ पहले। तो इस फिल्म मेरी मूवी है और आप यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर सकते हैं अपने बच्चे के। कैसे देख सकते हैं बताओ सखी को। मम्मा फोटो कहाँ से खींचते हैं? फोटो खींच गई वो, जब हम वीडियो बनाएंगे ना तब खींच जाती है। बताओ कुछ बताना चाहोगे अपनी मूवी के बारे में, कब लिखी है? मैं अभी मॉप सिटी बना रहा हूँ, मॉप सिटी। उसके बाद ना मैं सबको डब्बे डब्बे कर दूंगा। लेकिन इसमें तो आप कबाड़ी वाला लग रहे हो, कूली लग रहे हो, कूली है? नाम छोटे सरकार लिखा है, काम कूली वाले कर रहे हो, ये कैसा छोटा सरकार है? देखो गाइस, गाय देखो सुनो, पहले तो मेरे चैनल में कोई गाय है नहीं, ये सब बहुत चंट है। मम्मा, कोई गाय नहीं है, ये बहुत चंट सखियां हैं। मम्मा आज बना ले, बना ले। पार्थू दाल बनने वाली है। हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। और आज है 2 मार्च, बस इतना ही कहना था। और अभी हम नहा के रेडी हो चुके हैं, नाच पहन ली है नई वाली टी शर्ट, इसको चेंज नहीं कराया, बस पहन ली। और एक पार्थू की ड्रेस है उसको चेंज कराने जाना है, एंड डी मार्ट से थोड़ा राशन भी लाना है। तो बस फटाफट से निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए, तो आप भी चलो हमारे साथ। सखियो डोंट माइंड, मैं तो चप्पल पहन के जा रही हूँ। मास्क पहनो बेटा। हेलो, अभी तो बाल कटाए थे, फिर बड़े हो गए तुम्हारे बाल हैं? अरे मैं तो बोखला गया रे बाबा। अरे बाबा रे, काई को बोखलाने का रे? इसको भी थोड़ा पेंटिंग लगा के खाऊंगा। चलो चलो चलो, ऑटो जा रहे, ऑटो। फिर कोने में बैठ गया, देखो सखियो पार्थू फिर कोने में बैठ गया। मुझे अच्छा लगता है पार्थू फिर कोने में बैठ गया। आज डिसलाइक देंगे सब लोग, सबने सिखाया भी था। ले भैया अब तो हो गया डिसलाइक। है सखियों, तो हम घर आ गए हैं ना, आप देख सकते हैं राशन वगैरह बहुत सारा सामान लेके आ चुके हैं। और इतना ज़्यादा सामान था, इतना ज़्यादा सामान था ना कि मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब आप समझो कि 2 घर का था, उस वाले घर का भी, इस वाले घर का भी। अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया लगता है किसी सखी को, तो वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा दूसरा घर क्यों लिया और आप दूसरे घर में कब शिफ्ट हो रहे हो। अरे यार वो हम शिफ्ट होने के लिए नहीं लिया है सखियों घर, वो ऑफिस पर्पस से लिया है, ठीक है? वो हमारा थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, तो वो जो हमारा दूसरा वाला घर है वो घर नहीं है, वो ऑफिस है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो। और जो भी सखी कंफ्यूज हो रही थी कि दो दो घर लिए हैं सीमा ने, वो विराज का घर है। और विराज कौन है? विराज हमारी पहली मूवी के हीरो हैं और वो विराज का घर है। तो विराज क्या करते हैं ना, अकेले होते हैं तो इसलिए वो हमारे संग यहाँ पे अपना नहाना धोना कपड़ा वगैरह सब उनका वहाँ होता है, बस वो खाना यहाँ खाते हैं और सोते हैं यहाँ पे हैं बस। और घर उनका वो है, तो वहाँ पे ऑफिस का वर्क भी होता है। तो जो इतनी टीम आती है, रोज के 10-12 लोग जो आते हैं एक मूवी में, जितने लोग लगते हैं, एक जो टीम वर्क होता है वो कहाँ बैठेंगे? तो उनके लिए वहाँ पे ले लिया है एक पूरा सेपरेट एरिया वो वाला घर, ताकि तसल्ली से बैठ के वहाँ पे सब लोग काम कर सके। अब कुछ समझ आई? और रही इंटीरियर की बात, तो अभी इंटीरियर में वहाँ का नहीं करूँगी सखियों, क्योंकि अभी वहाँ पे रोज़ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आई थिंक सुबह 9-10 बजे से शाम के 7-8 बजे तक वहाँ पे सब लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत काम करते हैं। सामान वहाँ पे बहुत सारा आ चुका है, लेकिन अभी इंटीरियर मैं वहाँ का नहीं कर सकती क्योंकि सब लोग बहुत बिजी हैं, ठीक है? तो लेकिन हमारे बेडरूम का मेकओवर जल्दी करेंगे। और हमारे बेडरूम के मेकओवर में भी एक दिक्कत आ गई है कि जो मैंने अमेज़ॉन से सामान ऑर्डर किया था ना सखियों,
वो सामान में हो गई है गड़बड़। मैंने जो सामान मंगाया था उसमें से आधा सामान आ गया और आधा नहीं आया। ऊपर से वो आ रहा है नॉन रिफंडेबल सामान में, मतलब मैंने देखा नहीं। तो प्लीज़ जब भी आप लोग में क्या हालत हो रही है सखियों मेरी, पर देख लो यार ये असलियत है सीमा की, देखो क्या हालत हो रही है। बाल देने के झिरझिरिंग हमारे मतलब झिरलिंग गई। तो क्या बोलते हैं ना, क्या बता रही थी मैं, अरे क्या बता रही थी, याद दिलाओ कुछ। हेलो भूल गई मैं क्या बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, हैं ये तो प्रमोद वाली बात हो गई। नहीं 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 नहीं, अच्छा चलो छोड़ो जो भी था हो गया, बस अब मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या बता रही थी, बता क्या रही थी मैं, हट रुक जाओ अभी। तो बहुत सोचने के बाद भी मुझे सखियों याद नहीं आया कि मैं आपको क्या बता रही थी। तो ये देखो मैं किचन के लिए ना 14 वाट, नहीं नहीं नहीं, तो हाँ अब याद आ गया मुझे, इंटीरियर की बात हो रही थी। तो कुछ सामान जो था ना अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया और उन्होंने मुझे आधा सामान भेजा और पूरा पैसा भी काट लिया और आधा सामान भेजा भी नहीं और वहाँ पे डिलीवरी डन दिखा दी। तो इसी वजह से मेरा सामान रुक गया और फिर मैंने उनको कॉल किया कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने बताया कि मैम ये तो नॉन रिफंडेबल सामान है, ये रिफ़ंड भी नहीं हो सकता और वहाँ पे डिलीवरी भी पूरी दिखा रही है। तो मतलब मुझे अभी 2000 रुपये का नुकसान हो चुका है, बट मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप सब जानते हो। तो मैंने कंप्लेन कर दी है और उन्होंने बोला है कि मैम आप 6 मार्च को दोबारा से हमें AC नंबर पर कॉल करना कस्टमर केयर पर, और एक हफ़्ते का टाइम लेते हैं वो लोग सेलर से जो भी होगा, जो भी प्रोसीजर होता होगा ना उसके लिए। तो एक हफ्ते बाद वो लोग, लगता है मुझे चाय की ज़रूरत है सखियों, है ना, तुमको भी ऐसा लग रहा है ना कि मुझे चाय की ज़रूरत है, अब मुझे तो लग रहा है मुझे चाय की ज़रूरत। तो 6 मार्च के बाद मैं उनको कॉल करूँगी, 6 मार्च को मैं उनको कॉल करूँगी, फिर फला होगा, फिर ढीका होगा, फिर जाके तय होगा कि होगा क्या। तो अब जो है हमारा इंटीरियर है ना, ये जो बेडरूम इंटीरियर, चिंता मत करो, इसका बहुत सारा सामान मैंने मंगा लिया है, मतलब बहुत सारा नहीं, लिमिटेड सामान, मिनिमम सामान, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत सा खूबसूरत सा घर बनाएंगे। तो वो सामान बहुत सारा आना शुरू हो गया है, बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा नहीं मतलब थोड़ा सा आ रहा है, इंटीरियर होगा, बट अभी मेरी जान मत खाना, आपने बोला था, आपने बोला था, होगा होगा, तसल्ली से होगा, ठीक है, सब होगा। हेलो आओ बच्चों सब्जी काटे बाकला, ये बाकला साफ कर रही हूं। ये लो सखियों मम्मी को देख लो, काम कर रही हूं। मम्मी आपका स्वेटर फिर निकल के, 2 दिन से तो आप स्वेटर नहीं पहने थे, ये बताओ। अरे ठंड हो रही यहाँ पर, ठंड लग रही मेरे को बहुत ज्यादा। और पार्थू यहाँ धो रहा है अपनी चप्पल। पार्थू चप्पल धो रहे हो? पार्थू चप्पल धो रहे हो? कैसा लग रहा है चप्पल धो के? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, पहली बार कोई काम दे रहा है। पहली बार कोई काम दे रहा है? हाँ। नहीं आपने सेकंड डे हो गया आपको, कल भी धोई थी ना, आज भी धो रहे हो ना, एकदम से चमकाओ, ठीक है, ये रोज की ड्यूटी है आपकी। और कौन कौन सी ड्यूटी दी है मम्मी ने आपको? और पोटी भी धोने का। आजकल मैं इसको पोटी धोना भी, पोटी वॉश करना सॉरी, तो आजकल मैं इसको पोटी वॉश करना भी सिखा रही हूँ। और भाई अब 5 साल का हो गया है तो पोटी वॉश तो करने आना चाहिए। हाँ हाँ, तो आजकल पोटी वॉश भी करता है सखी, और लाइट जल रही है देख लो, हमारी अपनी दिवाली चलती रहती है, सोचता है कोई कुछ सोचना है। तो मैं इसको ना पोटी वॉश करना सिखाया मैंने, और आप यकीन नहीं मानोगे जब दूसरे दिन इसने बोला मम्मा मॉर्निंग में, मम्मा मुझे पॉटी आ रही है, मैंने कहा जाओ बेटा, जब इसने कर ली तो मैंने इसको 5 मिनट बाद आवाज़ आई, मैंने पार्थू हो गई मैं आऊँ, जब कह रहे नहीं नहीं मम्मा आप रहने दो, मैंने अपने आप वॉश कर ली। और जब मैं गई तो लैटरिन में बेटा पूरा नहा चुका था, ऐसी वॉश करी कि पूरा गीला हो रखा था, मैंने कहा नहीं ऐसी नहीं करनी, मैं सिखाऊंगी। तो मतलब धीरे धीरे सब सिखाना है ना बच्चों को, अब कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो कोई मुझे ये मत कहना इतने छोटे बच्चे से काम करवा रही है, मैं उसको इंडिपेंडेंट बना रही हूँ, अपने काम खुद करना सिखा रही हूँ, और ज़रूरी है, हमने भी करे हैं भाई, ऐसे ही नहीं कोई पेट से सीख के आता। तो देखो धीरे धीरे धो रहा है, पर धो तो रहा है ना, ये देखो, धो 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 मेरी जान धो,
कोई नहीं, सफाई करो करो अच्छे से धो, तो ये बच्चे खुद सीखेंगे ना तो इनको आदत हो जाएगी। क्यों सखियों? चलो भैया अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो हमने लाइट बदल दी है सखियों, 18 वाट की लगा दी, और किचन तो अभी देखने लायक हो रखा है मेरा। दूसरा मैंने ये रखा है, ये वाला ना, ये 14 वाट का कहाँ के लिए? ये यहाँ के लिए लाए हो? ये भी यहाँ लगेगी? अरे 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 इतना हैवी है वो, खाली तो कर ले। तुम्हारे लिए हल्का नहीं, वो ना उखड़ जाएगी बाबू, इसमें ना उखड़े। अच्छा सिलेंडर सोफा लेके आ गए, इसमें ना उखड़े। चलो भाई अच्छी बात है, जिसकी नहीं उखड़ रही। ओ बाबरी, ठीक है। ये वाले कितनी थी? ये 14 है ना? ये कितनी थी? 14 वाट। ये भी तो 8-9 वाट। हाँ तभी तो उजाला नहीं आता था इस रूम में। अब तो मैं ऐसा लगेगा कि अरे सीमा इतनी चमक रही थी, गोरी हो गई है, रिंग लाइट यूज करी नहीं। नहीं सॉरी सखियो, मैं रिंग लाइट यूज नहीं कर रही हूँ। ये 14 वाट की लगा दी है, और वहाँ पे कितनी वाट की लगाई हमने किचन में? 18 वाट की लगा दी है। वो मंदिर तक रोशनी आ रही है, मतलब अभी तक किचन बहुत मैसी हो रहा है इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहती, पर मेरा मंदिर तक रोशन हो चुका है सखियो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो ठीक है, हो गया, बस हो गया। सारी अपडेट देने की नहीं होती, हर चीज़ बताओ हर चीज़। चलो बाय, हो गया। चलो भाई तो आज का डिनर है आलू, थोड़ी सी शिमला मिर्च, दाल एंड रोटी, और ये है अनुप का खाना। ये लो, पार्थू खा चुका है, पार्थू के लिए हमने रोल बनाई थी। नीचे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। अरे देवा, अबे अंधेरा कैसे हो जाता है अचानक से। हाँ अब हाँ, आलू की सब्जी थोड़ा सा खा के बताओ, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाई है। मम्मा देखो फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं? देखा कितना चिल्ला के मैंने आलू ऐसे खाते ना, फ्रेंच फ्राइज कैसे फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते निकाल रहे। कुछ डिफरेंट है ना, बस अच्छी लग रही है आलू की, नहीं कुछ और लग रही है ना, समझे? यही मैं तुम लोगों को सुनाना चाहती थी। और मैं ये भी बता दूं कि मैं इसकी रेसिपी तो कतई नहीं दूंगी, क्योंकि तुम हो मेरी चंट सखियां। तुम्हें तो सब आता है, बना लोगी तुम? तुम तो देख के ही बना लोगी, क्या कहती हो? मैं दूंगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने दिखा रही कढ़ाई, मैं कढ़ाई नहीं दिखा रही, सपना डांटेगी, सपना डांटेगी, सपना बोलेगी सीमा एल्यूमिनियम की कढ़ाई। ये सपना कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ नहीं होता। बताए क्या सपना? मेरी जो दादी आई थिंक 90 क्रॉस करके गई होंगी, और रानी आंटी वाली दादी शायद अगर किसी को याद है कि नहीं है, पता नहीं मैंने ब्लॉग में दिखाई थी, वो तो आई थिंक 90 प्लस होके गई थी। उन सब ने एल्यूमिनियम में खाया था, तो तब तो स्टील की कढ़ाई चलती ही नहीं थी। तो ये सब है ना, ब्रांड प्रमोशंस हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, बेचना है बेचना है। तो कितने लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्टील, तो क्या करेंगे? वो खाना खाना छोड़ दें। बस पकाने में नुकसान नहीं है, उसमें रखना गलत होता है, पका के तुरंत इसको हटा देना होता है, ठीक है? तो सपना मुझे डांटना मत, मैं तुम्हें पता ही है मैं तो 2 साल से स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ यार। और कभी कभी क्या होता है ना, इतना सा बनाना होता है, इतनी बड़ी कढ़ाई, थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जल्दी स्टील ले आऊँगी। तो चलो सखियो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, पहली पप्पी दे दी। तो चलो सखियो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नए दिनचर्या के साथ। तब तक लपो ऑल माई ब्यूटीफुल सखियो, और तुम्हें नहीं पता मैं भी भूखी हूँ, मुझे अभी खाना भी खाना है, ठीक है? तो चलो फाइनल बाय बाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल सखियों। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग था, इसके बाद मैं फिर आप लोगों को व्लॉगिंग में नहीं दिखूँगी, और यही कहना था मुझे, दिस इज़ माई लास्ट व्लॉग फॉर यू। ओके सखियों, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय बाय माई ब्यूटीफुल सखियों। आ रही हूँ, आ रही हूँ, कल आ रही हूँ, आ रही हूँ, डरो मत, आ रही हूँ। तो देखो सखियों कैसा लग रहा है, कर्टन्स गए धुलने को, और ये देखो पार्थू की बॉल। मुझसे जीवन में ना जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, मतलब
ये वाले कर्टन कम खरीद के, पता नहीं क्या सोच के। तब मैं एक कमरे में रहती थी, एक दरवाजा था, तब भी मैंने 4 कर्टन खरीद लिए थे और इसके जैसे कर्टन मुझे आज तक नहीं मिले। इसका जो फैब्रिक है ना, मैं बता नहीं सकती। और आप देख सकते हो इसको, आई थिंक मोर देन एट ईयर्स में आप इसकी चमक देखो, इस कपड़े की क्वालिटी देखो, मतलब आप महसूस कर पा रहे होंगे ये, इसकी शाइन देख रहे हो आप। और आई थिंक उस टाइम पे ना ये 600 रुपीज़ पर पीस पड़ा होगा मुझे। उसके बाद मैंने इसे बहुत ढूंढा, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना कर्टन, देखो ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब नहीं मिलते यार ये वाले कर्टन, तो आज हम सोएंगे नीचे, है ना पार्थू, है ना पार्थू। पार्थू को मज़ा आता है ना नीचे सोने में, चल सो जा फिर। ये बॉल लगा दे तो बहुत सारे कीड़े आते हैं। बॉल से नहीं आएंगे मम्मा, कीड़े आते हैं। सो जा। ये ये मम्मा अगर यहाँ पर टीवी होता ना, हम टीवी देखते देखते सो जाते हैं। ग्रेट आइडिया।